हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ आलू के पकौड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे मैं बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से बनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं ये रेसिपी, और इसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। आलू के बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 आलू लिए हैं मीडियम साइज के, और इनका छिलका हटाकर इसे धो लिया है। और सबसे पहले इसे हम कद्दूकस कर लेंगे आलूओं को। तो मैं इसे कद्दूकस कर लेती हूँ। तो इस तरीके से सभी आलूओं को हम कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सभी आलूओं को कद्दूकस कर लिया है, और अब इसका हम पानी निकाल लेते हैं, क्योंकि इस कद्दूकस करने के बाद इसमें काफी सारा पानी है, तो इस पानी को हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक बोल लिया है मैंने, उसके ऊपर ये छलनी लगाई है, और इसके ऊपर हम एक कपड़ा लगा लेंगे। और इसको इसके बाद ये जो कद्दूकस किया हुआ आलू इसमें डाल देंगे। और इसके बाद इस कपड़े के चारों कोनों को पकड़ के हम इस तरीके से एक पोटली बनाएंगे, और इसको अच्छे से दबाते हुए इसका पानी निकाल लेंगे। तो देखिए काफ़ी सारा पानी निकल रहा है, तो जितना हो सके हम इसका पानी निकाल लेंगे अच्छे से दबाकर। और ये देखिए आलू में से काफ़ी सारा पानी निकल गया है। अब आलू को हम इस बोल में निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें पानी निकल चुका है, अब ये सूखा सूखा सा हो गया है। उसके बाद हम इसमें बाकी सारी चीजें डाल लेते हैं। तो एक बड़ा प्याज लिया है बारीक काट के, आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, एक हरी मिर्च ली है इसे बारीक काटा मैंने, तो यहाँ पर आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और हरा धनिया काफी सारा लेना है। और यहाँ पर हम डाल लेते हैं काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच से, थोड़ा कम लिया है मैंने। हल्दी का पाउडर 1/4 चम्मच, साबुत जीरा डालेंगे इसमें आधा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, तो नमक स्वाद के अनुसार डाल लेंगे इसमें। और यहाँ पर चिल्ली फ्लेक्स, तो आप यहाँ पे लाल मिर्च के पाउडर भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1/4 चम्मच से कम चिल्ली फ्लेक्स डाल रही हूँ। और साथ में हम डालेंगे इसमें मैदा, तो यहाँ पर अभी मैं 2 से 3 चम्मच मैदा डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच भर भर के मैदा डाला है, और अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदा हमने इसलिए डाला है ताकि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो सके। मैं इसे हाथों से मिक्स कर लेती हूँ। इसमें हमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आलू में पानी निकालने के बाद भी पानी रहता है थोड़ा बहुत भी, जिससे कि बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। और ये लच्छे वाले पकौड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, तो बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं 1 चम्मच मैदा और डाल रही हूँ, तो मैदा आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। अगर ठीक से बाइंडिंग नहीं हो रहा है ये मिक्सचर, तो आप मैदा 1-2 चम्मच बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पर आप मैदे का यूज अगर नहीं करना चाहते हैं, तो इसकी जगह पे आप ब्रेड क्रम्स का यूज कर सकते हैं। और देखिए ये मिक्सचर हमारा बाइंडिंग के फॉर्म में आ गया है, तो बिल्कुल ऐसा बन जा रहा है। तो मैदा डालने के बाद बिल्कुल इस तरीके से बाइंड होना चाहिए, तो अब बिल्कुल रेडी है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। पकौड़ों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है, तो जो भी आप तेल इस्तेमाल करते हैं वो वाला तेल आप ले सकते हैं फ्राई करने के लिए। तेल को गर्म कर लेंगे, और फिर गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। तेल गरम हो गया है, तो अब इसमें हम पकोड़े फ्राई करते हैं।
तो थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते हुए हाथों पे इस तरीके से तेल में डालेंगे। बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, सारे पकौड़े बिल्कुल ऐसे ही तैयार कर लेंगे हम। अगर हम इसे थोड़ा भी बड़ा बनाएंगे तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, पकेंगे नहीं, तो इसलिए जब भी बनाएं तो बहुत छोटे छोटे बनाएं ताकि अंदर से भी अच्छे क्रिस्पी हो जाएं। और मीडियम टू लो फ्लेम करके इसे फ्राई करें। तो यहाँ पर मैंने सारे पकौड़े कढ़ाई में डाल दिए हैं और बहुत ही हल्के हाथों से इसे पलटेंगे। जब ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाए तो इसे पलटेंगे, अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें हम फ्राई करेंगे। ये देखिए धीरे धीरे इसमें बहुत अच्छा कलर आना शुरू हो गया है। तो ऐसे ही जब सारे पकौड़े ऐसे ही हो जाएंगे तो हम इन्हें हम निकाल लेंगे। और ये देखिए सारे पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, बहुत ही अच्छा कलर आ गया इनके ऊपर। तो मैं इन्हें अब निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसा गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। और देखिए देखने में बहुत ही क्रंची लग रहे हैं और टेस्टी है बहुत ही खाने में। तो सभी पकौड़ों को मैं बिल्कुल ऐसे ही बना लेती हूँ, प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये देखिए कितने क्रंची बने हमारे पकौड़े। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सारे पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। और इस तरीके से हम पकौड़े तैयार कर लेंगे तो इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पकौड़े बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, चाय के टाइम बनाइए या फिर कभी छोटी मोटी भूख लगी हो तब बनाइए। बहुत ही आसानी से बनाए जा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये पकौड़े सभी को पसंद आएंगे अगर आप बनाएंगे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।